फ्रेंड्स वेलकम्स टू जी एडुकॉम चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 जनवरी सेक्शन का जो होने वाला है, उसमें जो हिंदी सेक्शन का कुछ प्रैक्टिस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलो देखेंगे वन बाय वन क्वेश्चन और उसके आंसर क्या होगा। जैसे देखो फर्स्ट है, एतराज शब्द का शब्दार्थ क्या है? एतराज शब्द का शब्दार्थ क्या होगा? विपत्ति, आपत्ति, संपत्ति या समारोह? ना, एतराज शब्द का अर्थ होगा आपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र लेखक कौन? प्रेमचंद, विष्णु शर्मा, भगवती चरण वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। पंचतंत्र लेखक तो विष्णु शर्मा है। ठीक है, थर्ड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही की कली किसकी रचना है? जूही की कली प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। जूही की कली लेखक कौन है? ना, निराला, थर्ड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा किसकी रचना है? नमक का दरोगा यशपाल, प्रेमचंद, भगवत चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क। नमक का दरोगा किसके लिखा है? या प्रेमचंद का, थर्ड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर ना दिनकर। दुर्गेश नंदिनी का लेखक कौन है? ना बंकिम चंद्र चटर्जी, फर्स्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम पचीसी के लेखक कौन है? प्रेम पचीसी के लेखक नागार्जुन, प्रेमचंद, मुक्तिबोध या यशपाल। प्रेम पचीसी के लेखक कौन है? ना प्रेमचंद है, थर्ड होगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9-2-11 होना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? 9-2-11 होना, इसका अर्थ क्या होगा? ना, वहीं खड़े रहना, शक्तिशाली बनना, भाग जाना या दुर्बल बनना। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना, सेकंड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मासन में कौन सा समास है? पद्मासन में कौन सा समास है? पद्मासन जस्य सह, जिसका है, ये कौन सा होगा? ना द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष, ये होगा थर्ड होगा आंसर, बहुव्रीहि समास है। पद्मासन में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकैक में कौन सी संधि है? एकैक में कौन सी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यौन संधि? ये होगा वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होगा? ना आ, ऐ और औ होता है। एकैक तो ऐ की मात्रा है, तो ये होगा वृद्धि संधि, थर्ड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? आप, आव, आन या आ? चढ़ाव में आप प्रत्यय है, थर्ड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडन का विलोम शब्द क्या है? खंडन का विलोम शब्द क्या है? मंडन, समर्थन, मुंडन या धोखा? खंडन का विलोम शब्द होगा क्या? खंडन का विलोम शब्द मुंडन होगा, फर्स्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कारक क्या है? देखो, डाली पर आधार अधिकरण सप्तमी व्यक्ति, तो ये संप्रदान अधिकरण करण या कर्ता क्या होगा? ना अधिकरण कारक होगा, क्योंकि डाली पर बैठा है, आधार है डाली, ये होगा थर्ड अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से टीका का पर्यायवाची शब्द है? टीका, टीका का क्या अर्थ होगा? ना भाषांतर, विवृति, भाष्य या ये सभी। देखो, टीका का अर्थ है भाषांतर होता है, विवृति होता है, भाष्य भी होता है, तो ये होगा ये सभी, फोर होगा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अवसंभावी, अवसंभी, अवसंभवी, अवसंभी। देखो अवसंभावी होता है, फर्स्ट होगा आंसर। अवसंभावी फर्स्ट होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता में प्रत्यय बताइए। दाता में कौन सी प्रत्यय है? आ प्रत्यय, ता प्रत्यय, आउ प्रत्यय ना, अया प्रत्यय। तो दाता में ता प्रत्यय है, थर्ड होगा आंसर। इस बीच एक बात बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले समय पर जब मैं इस रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाल में काला होना का आशय क्या है? डाल में काला होना आशय क्या होगा ना? संदेह की बात होना, सही बात होना, डाल खराब होना या शिकायत करना। देखो डाल में काला का अर्थ क्या होगा ना? संदेह की बात होना, ठीक है। ये था कुछ डिस्कस, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।